अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ खान एस पी मोटर्स यूसफ आगा, और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए तो मैंने गाड़ी नहीं लाई है, ना गाड़ी कंप्लीट रिव्यू लाई, लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों को मैं अपना गांव जो हम लोगों का फार्म हाउस है वो दिखाने लाया हूँ। तो वो गाड़ी है जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ गाँव जब भी गाँव आता हूँ, साल में जो है मिसाल महीने में एक दिन निकलती है ये गाड़ी, तब भी निकलती है ये गाड़ी जब मैं गाँव आता हूँ, अपने फार्म की तरफ आता हूँ तब ये गाड़ी निकलती है। क्योंकि ये जो है ये मैनुअल है, स्ट्रिंग गियर है, क्योंकि आप मिसाल ये कि ऊपर नीचे वाले जगह भी आते हैं, बड़े बड़े कड़े भी आते हैं, मिट्टी वगैरह ज़्यादा आती है जहाँ पर गाड़ी फंस सकती है, तो ऑटोमेटिक से मैनुअल जो है वो गाड़ी निकल जाती है। लेकिन इस वजह से ये गाड़ी मैं जो है यहाँ पर लाता हूँ। तो ये गाड़ी आप देख सकते, इसमें पीछे जो है ना वो डाला भी है, तो इसमें सामान भी ले जा सकते हो, ला सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने बाग जो है उसमें बहुत कुछ पाया जाता है, अंगूर है, अनार है, बादाम है, और इसी तरह जो है मिसाल ये जो वो फ्रूट है, फिर अंगूर में तीन चार किस्म के हैं, और अनार में जो है अनार में तो एक ही किस्म अनार ही आता है, और बादाम इसमें दो किस्म, कड़वे भी आते हैं और मीठे भी आते हैं। हम लोगों की जो बागात है उसके बिल्कुल बराबर में पहाड़ शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल आप यूँ समझ लें कि पहाड़ी का पहाड़ी इलाका है, बिल्कुल पहाड़ के दामन में जो हम लोगों के बागात है। तो बड़ी ज़बरदस्त हवाई चलती है, और माशाल्लाह से यहाँ पे शाम भी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को मैं अपना गांव का भी विजिट करवाता हुआ चलूं, तो थोड़ी जानिया वगैरह ज्यादा हैं, और एक और चीज आप लोगों को बताता हुआ चलूं कि हमारे गांव में पर ये जो है यहाँ पे करीब जो है एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है जो है वो बिल्कुल यहाँ पे जो है वो करीब है, वो तो उसके करीब होने की वजह से होता क्या है, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे एक सामने एक वो सामने जो पहाड़ है उस पे जो है ना वहाँ पे जो है सांप, बहुत ज़्यादा सांप वहाँ पे पाए जाते हैं। यूँ समझ ले वहाँ पे जो है ना सांप पैदा ही होते हैं, लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो है ना ये सांप पैदा ही होते हैं, यहाँ पे सांपों का अड्डा ही है, मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा है। तो इस वजह से जो है ना उस साइड पे ज़्यादा नहीं हम नहीं जाते हैं, बस जब भी आते हैं घूमने आते हैं तो इसी इलाके में घूमते हैं। तो दोस्तों जो भी इंशाल्लाह वेलकम, जिस भी भाई ने कहा कि हम लोग क्वेटा आ रहे हैं तो वेलकम आ जाए, इंशाल्लाह आपको मैं अपने इलाके में घुमा देता हूँ। तो वो सामने, वो बिल्कुल सामने मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इस पे इस चोटी पे जो है ना ये जो है यहाँ पे सांप बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये जो है ना मेरे गाँव, ये मेरे जो हम लोगों के बागात है, तो इस बागात से बिल्कुल करीब ये पहाड़ शुरू हो जाता है, बिल्कुल पहाड़ शुरू जाते जाते सांस रुक जाती है। तो ये जो है अभी जो है ना ये हम लोगों का जो है ये हम लोगों के बागात शुरू हो गए। अब ये आप देख सकते हैं ये सारा का सारा जो है ना ये जो ग्रीनरी है ये तकरीबन यूँ समझ ले कि हमारी ग्रीनरी की एक लिमिट है, फिर उस लिमिट तक जो है हमारी, उससे आगे जो है फिर हम लोगों की जो कज़न वगैरह उनके है। आप देख सकते हैं ये मेरी क्या कहोगी इसको, ब्लैक पैंथर भी नहीं कह सकते कि ये ब्लू कलर है। तो ये हमारी ये गांव के लिए जो है ये लाते हैं, इस गाड़ी में हम लोग जो है ना गांव आते हैं, इस गाड़ी में आते हैं। तो ये देख सकते हैं ये बच्चे हमारे, ये हमारे जो यहाँ पे काम सब कुछ संभालते हैं तो उनके बच्चे। तो ये अंगूर थोड़े प्रियस डबल काटना प्रियस, ये रो दोस्तों अंगूर जो है वो कट चुका है। ये पूरा जो है ये फिर सबके सब जो है ये देख सकते हैं, ये सब के सब जो ये फिर ग्रेप्स है, अंगूर है, ये सब के सब जो है ये फिर ग्रेप्स है। नोरस्ता पे के हाँ नोर नस्ता क्या पाखा बस लागे दे। ये जो मैंने आप लोगों को कहा कि महल बनाया हुआ है, वो महल यू समझ ली कि वो ये है। और ये हम लोगों को क्या मिला, जोड़ी घूम रही है कहाँ पे, ये देख रहे हैं अब जोड़ी घूम रही है, ये महल बनाया हुआ है हम लोगों ने सही। इस महल में क्या है, इसमें नीचे जो है यहाँ पे जो है ये पानी का जो
वो छोटा सा पानी का जो है वो बह रहा है। मिसाल आप यहाँ पे बैठ सकते हो, आप यहीं पे ग्रेप का यहीं पे पानी में डाल के साफ करके वापस खा भी सकते हो। ये चलते हैं बुर्ज खलीफा। इस जगह को हम लोगों ने नाम दिया है बुर्ज खलीफा। तो ये इन्होंने अड्डा बनाया हुआ है। देखो तरखे चाय पी रहे हैं, खुर्शीद का तरखीद। ये जो है यहाँ से जो स्टार्टिंग जाते 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 ये सारा इलाका है जो ये हम लोगों का है, फिर पहाड़ों तक। फिर यहाँ से जो है ना ये हम लोग में ये जो नया यहाँ पे जो रोड गुजरा हुआ है उस साइड जो ये हम लोगों का नहीं है, लेकिन इस साइड जो ये सब के सब हम लोगों का है। इसको इशारा मार रहा है कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा है। सी उर्दू दिस दादा स्कूल में रे रुआ हो रहा है स्कूल में कितने बजे चावे तब स्वयं स्कूल की स्वयं क्लास की कम स्कूल की सबक हुआ है इस्लामिक वो से ना हुआ है मुख्य दिवाई वो से बोलना हुआ है स्त्री कितना है उस बोल सबक ना हुआ है अच्छी रहे तो शराब पर मदरसा की सबक हुआ है अच्छा नो उसने जुमा तो पढ़िया रखा है वो खोली दिखा मदरसे में ना खोली ऐसा सड़े वो खोली मुकुर अच्छा ये जो है ये बुर्ज खलीफा का जो है ना फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पे जो ये सेकंड फ्लोर है और सेकंड फ्लोर जाने के लिए जो है रास्ता यहाँ से गया हुआ है और ये बहुत ही मुश्किल रास्ता है ये देख सकते हैं इस पे चढ़ना पड़ेगा और मैं बिल्कुल नहीं जा सकता और मैं बिल्कुल मेरा इरादा भी नहीं जाने का क्योंकि इस पे चढ़ गया एक दफ़ा ना फिर उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उतरना मेरे लिए। तो ये दोस्तों ये रही मेरी वो ब्लू कलर की गाड़ी जिसमें मैं घूमने आता हूँ क्योंकि ये क्या है इस गाड़ी में ये गाड़ी जो ये स्ट्रिंग गियर है स्ट्रिंग गियर क्या है ये आप देख सकते हैं ये गाड़ी जो है स्ट्रिंग गियर है तो स्ट्रिंग गियर का चलाना जो है वो फिर गांव के लिए बहुत ही बेहतरीन ये हम लोगों ने उठाया पठानों का शराब लस्सी और ये रहा इसमें जो है ये जो है ये पूरा भरा हुआ है बादाम से ये जो है ये पूरा भरा हुआ है बादाम से इसमें जो है सख्त वाले बादाम है कड़वे वाले और इसमें मीठे वाले बादाम है और वो बादाम जो ईजिली टूट जाते हाथ से बहुत ईजिली टूट जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज हमारे गांव का विजिट मैंने किया और साथ ही बच्चे खड़े सब मुझ पे हंस रहे कि पता नहीं ये पागल क्या बोल रहा है क्योंकि मेरी उर्दू जो है ना पता नहीं उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आपको मिले। तो अपने भाई को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़।